फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस राइड हिमालयन 450 पे हम करने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि बड़ा और पहला प्रॉब्लम सामने आया है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। फर्स्ट 1000 किलोमीटर सक्सेसफुली डन। 1000 किलोमीटर में क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सर्विसिंग हुआ, सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आया, देन क्या प्रॉब्लम्स आए, कुछ प्रॉब्लम्स आए भी या नहीं आए, सारी चीजें आपको इस व्लॉग में बताऊंगा मैं। और उसके अलावा फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस राइड हिमालयन 450 पे हम करने जा रहे हैं कल सुबह, मतलब 23 मई 2024 को हम पहली लॉन्ग राइड पे निकलने वाले हैं। कौन सी लॉन्ग राइड रहेगी, कितना डिस्टेंस रहेगा, कितने दिन की राइड रहेगी, सारे डिटेल्स इसी वीडियो में मिलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलने वाली है। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल, यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स। सबसे पहले एक एक स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 350 किलोमीटर तो पहले ही दिन चला ली थी गाड़ी, सो एज यू ऑल एक्सपेक्टेड फर्स्ट सर्विसिंग एकदम तुरंत आ गई थी। हार्डली गाड़ी लेके 4 या 5 दिन बाद में फर्स्ट सर्विसिंग करने गया, सो फर्स्ट सर्विसिंग में कोई इश्यू एज सच नहीं था। ऑयल चेंज वगैरह ये सारे काम जो रेगुलर होते हैं वही काम हुए, और टोटल बिल आया ₹1900, 1900। उसमें ₹200 तो चेन ल्यूब का था, चेन ल्यूब की एक पूरी बॉटल उन्होंने दे दी। स्ट्रेंजली वो लोग बोल रहे थे कि बड़ी गाड़ी के साथ हम ये देते ही है, आपको लेना ही पड़ेगा। एनीवेज मैं उसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर सकता था, लेकिन मुझे करना नहीं था, क्योंकि वैसे भी मुझे रॉयल एनफील्ड का चेन ल्यूब बहुत पसंद है, इट इज द बेस्ट चेन ल्यूब अवेलेबल इन मार्केट। सो मुझे वैसे भी बाहर से लेना था, तो उन्होंने दे दिया, एमआरपी में ही दे दिया, तो मैंने ले लिया। सो वो पकड़ के ₹1900 सर्विसिंग का कॉस्ट आया, नो हैजल स्टिल देन। उसके बाद अगले 500 किलोमीटर जो मैंने राइड किया, सारे एसेसरीज जो इंस्टॉल किए वो सब आपने इससे पहले के वीडियो में देखे है, अगर नहीं देखे है तो यहाँ पे लिंक दे रहा हूं मैं, आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि कौन से एसेसरीज लगे हैं। उसके अलावा एक एसेसरी मिसिंग थी जो पहले मेरे ध्यान में नहीं आई थी, शायद अभिजीत पाजी के भी हमारे डिस्कशन में नहीं आई, वो थी टूरिंग विंडशील्ड। जो स्टॉक विंडशील्ड गाड़ी के साथ आती है उसकी वजह से विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा आ रहा था, चेस्ट पे, फेस पे, हेलमेट पे, लिटरली बफेटिंग हो रहा था मेरी हाइट पे। तो अगर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस राइड करना है, दिन में 500-600 किलोमीटर चलाना है, तो वो कंफर्टेबल नहीं हो पाता। सो उसके बाद मैंने कार्बन रेसिंग की एक विंडशील्ड ऑर्डर की थी, वो विंडशील्ड कल शाम को डिलीवर हुई, और अभी अभी सुबह उसका इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है, और वो शूट भी किया है अनबॉक्सिंग करके। अनबॉक्सिंग मैंने शूट नहीं किया, इंस्टॉलेशन शूट किया है। सो सबसे पहले उस विंडशील्ड के बारे में जानते हैं, विंडशील्ड का पूरा डिटेल्स देखते हैं, एंड देन विल मीट अगेन हियर। अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर लिया है मैंने इसका, दिस इज हाउ इट लुक्स। ओरिजिनल विंडशील्ड से कितना बड़ा है आप कंपैरिजन में देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कुछ दिखेगी अपनी बाइक बाद में, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि ये लाइट्स शायद रिपोजिशन करने पड़ेंगे। लेट्स सी, इसको लगा के ही देखेंगे। एनीवेज इसको लगाने के लिए अपने को भी कोई भी नया स्पेशलाइज टूल की जरूरत नहीं है, विल जस्ट गेट द एलन कीज विच आर देयर इन द किट, टूल किट जो स्टॉक कंपनी का आता है, उसी से ये काम हो जाएगा। सो लेट्स गेट इट डन। पहले ही स्टेप में गलत हो गया था मैं, इसलिए ये ट्रांजिशन डाला बीच में। अपने जो टूल किट में 4 साइजेस के एलन की दिए हुए हैं, और 4 में से कोई भी इस पर नहीं बैठती है। सो फॉर्चुनेटली अपने पास पूरा सेट है यहाँ पे, तो इसमें से कोई ना कोई बैठ जाएगी, बट आई डोंट नो हाउ दिस इज डन। जो साइज का एलन की बोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इस साइज की वहाँ पे टूल किट में नहीं है। तो इसको 5 mm एलन की लग रही है। ऐसा ही नेकेड लुक रखेंगे तो कैसे लगेगा बताओ कमेंट करके, रखूंगा नहीं मैं, बस बताओ। इसमें एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, वो अटैच थे अभी खोला मैंने, ये विंडशील्ड और ये उसका ब्रैकेट जो इसमें लगा हुआ आया था। इसको निकाल के पहले ब्रैकेट को यहाँ पे बिठाना है, और
ब्रैकेट लगने के बाद फिर उस पर ये विंडशील्ड लगेगा। ऑलमोस्ट आधे घंटे का ब्रेक, क्योंकि इसमें ना लगाने के लिए चार बुश दिए हैं और ये बुश होल में बिठाना वॉज अ टास्क। चार बुश लगाने में आधा घंटा गया मेरा, शायद मैं सही तरह से नहीं कर रहा था व्हाटएवर, लेकिन आधा घंटा गया। और यहाँ पे खड़े रह के फुल पसीना पसीना हो रहा था तो अंदर जाके बैठा था। फाइनली चारों बुश जगह पे बैठ गए एंड नाउ वी आर रेडी टू इंस्टॉल इट। सो दिस इज हाउ इट विल लुक। अभी इसका फाइनल टाइटनिंग का काम मैं कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जगह पे मुझे स्पैनर लेना पड़ेगा, ये स्लिप हो रहा है। सो अल्टीमेटली ये कैसा दिखेगा फिटिंग कंप्लीट होने के बाद दिखाता हूँ मैं आपको। बट यस, ये अपनी स्टॉक विंडशील्ड, इसके कंपैरिजन में यू कैन सी हाउ बिग दिस इज। अच्छा खासा विड्थ भी बढ़ गया है और हाइट भी बढ़ गया है। एक्चुअल राइडिंग में इसका कितना इफेक्ट होता है वो तो राइड करेंगे तभी पता चलेगा, बट फॉर नाउ दिस इज वन अपग्रेड ऑन अ बाइक। इसको फाइनल करके फिर मिलता हूँ आपसे। ऑलराइट, वेलकम बैक। आई होप वो विंडशील्ड का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। विंडशील्ड कैसे परफॉर्म करती है वो तो आगे राइड में कल से जो वीडियोज आएंगे, कल से जो वीडियो हम शूट करेंगे उन वीडियोज में मैं उसके बारे में और अपडेट देता रहूंगा। बट सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो सबको एक्सपेक्टेड है, सब एंटिसिपेट करते हैं कि अगर रॉयल एनफील्ड की बाइक कोई लेता है तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आना ही चाहिए। सो रॉयल एनफील्ड की अपनी बाइक में पहला प्रॉब्लम आ चुका है और वो प्रॉब्लम भी मैंने शूट किया है। वो प्रॉब्लम अभी अभी नोटिस हुआ, आज सुबह जब मैं विंडशील्ड इंस्टॉल कर रहा था तभी मुझे दिखा। सो उसके भी डिटेल्स मैंने शूट किया है, तो वो भी आप एक बार देख लीजिए। अभी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर राइड किया मैंने इस पे लगाने के बाद, एंड वन थिंग दैट आई कैन सी इस पहले जो स्टॉक विंडशील्ड पे विंडब्लास्ट है ना, यहाँ पे आ रहा था चेस्ट पे, वो भी यहाँ आँखों के सामने आ रहा है। सो इतना डिफरेंस आया है। और आँखों पे अगर इस लेवल पे विंडब्लास्ट आ रहा है ना, तो आई एम नॉट कंसर्न विद इट, क्योंकि हेलमेट पहनने के बाद हेलमेट के एरोडायनामिक्स ऐसे होते हैं कि वो पूरी तरह से विंड को रिफ्लेक्ट कर देंगे। सो एज फार एज आई कैन सी दिस इज गोइंग टू बी अ सक्सेस। तो लेट्स सी, लॉन्ग राइड पे पता चलेगा। लेकिन इसकी वजह से इफ़ यू कैन सी थोड़ा बहुत अपना जैसा पहले लगा था वही हो रहा है, ये लाइट्स को इंटरफेयर कर रहा है। अभी रात को मैं लाइट लगाऊंगा तो पता चलेगा कितना तकलीफ़ होती है उससे। यहाँ पे अगर थोड़ा लाइट कट भी होता है तो इशू नहीं है मुझे, इशू ये है अगर यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होने लगा ना तो फिर वो राइड करने में तकलीफ देगा। एनीवेज, यहाँ पे एक बड़ा और पहला प्रॉब्लम सामने आया है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। सी दिस, यहाँ पे कुछ तो एसिड जैसा कुछ गिरने से पूरा पेंट स्क्रेप होने लगा है। अभी मैंने यहाँ पे खोल के देखा इस पैनल को, तो ये आपको अगर पाइप दिख रहा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी दिस पाइप, ये कैटलिटिक कन्वर्टर से आया हुआ कोई आउटलेट का पाइप है जो यहाँ पे इसमें खुला छोड़ा हुआ है। शायद उसमें से कुछ डिस्चार्ज, ये एसिड या केमिकल कुछ आया है जो यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ऐसे स्टिकी लग रहा है हाथ को। और क्योंकि पहले हमें लगा था कि ये बैटरी का एसिड होगा, लेकिन बैटरी पे कोई भी दाग नहीं है, तो बैटरी की तरफ से कुछ नहीं है। तो ये कहाँ से आया है क्या है पता नहीं, लेकिन अभी ये सर्विस सेंटर में दिखाना पड़ेगा और इसके लिए अभी वारंटी के लिए झगड़ना पड़ेगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो अब कुछ किया भी नहीं है। अभी खोल के देखा तो ये पाइप खुला है दिखा, वो पाइप ऐसे अंदर इसके अंदर ही खुला छोड़ा हुआ है और उसको कनेक्ट करने की कहीं जगह भी नहीं है कि वो कहीं से निकला होगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। लेकिन सीरियस, पूरा पेंट निकल गया इधर से। ओके, अब इस वीडियो में तीसरी बार मिल रहे तो क्या बोलना है मुझे पता नहीं है, वेलकम बैक अगेन बोलते हैं या फिर से वेलकम बैक बोलते हैं। सो नाउ द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कल सुबह की राइड। सो कल सुबह मतलब 23 मई 2024 की सुबह 6 बजे हम, मतलब मैं और प्रियंका, यहां से निकलेंगे करजत से। हम राइड करेंगे गोकर्णा जो कर्नाटका में है। अगले 2 या 3 दिन हम गोकर्णा, मुर्डेश्वर, याना केव्स, ये सारे जो प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करेंगे वहां पे, जो नॉर्थ कर्नाटका के कोस्टल रीजन में है।
जाते वक्त कल हम मुंबई गोवा नेशनल हाईवे से जाने वाले हैं, सो उस रोड की करंट कंडीशन क्या है वो भी आपको इस सीरीज के वीडियोस में देखने मिलेगी। और वापसी का मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग गोकर्ण मुर्डेश्वर मैं प्लान कर रहा हूँ कि उस राइड को और 7-8 दिन आगे एक्सटेंड करूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ कंफर्टेबल आई एम, डिपेंडिंग ऑन बाइक के साथ कुछ इश्यू और नहीं आना चाहिए, एंड डिपेंडिंग ऑन प्रियंका कंफर्टेबल है कि नहीं, वो कंटिन्यू करना चाहती है कि नहीं, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो मुझे अकेले जाने देती है कि नहीं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है मैं आगे कंटिन्यू करूंगा कि नहीं। सो टोटल कितने किलोमीटर्स की राइड होगी ये हम अभी नहीं बता सकते, कितने दिनों की राइड होगी ये अभी हम नहीं बता सकते, बट द राइड इज स्टार्टिंग विद गोकर्ण एंड मुर्डेश्वर, और उस सीरीज के वीडियोज ऑब्वियसली हम राइड से वापस आने के बाद आएंगे, लेकिन हम कल सुबह निकलने वाले हैं तो इंस्टाग्राम पे आपको रियल टाइम स्टोरीज वगैरह में अपडेट्स मिलते रहेंगे, पोस्ट में या रील्स में इफ पॉसिबल आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। उसके लिए आपको इंस्टाग्राम पे काउंटिंग किलोमीटर से जुड़ना होगा, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया है ही, अगर नहीं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पे बहुत सारे एक्सप्लोरेशन के वीडियोज यहाँ से आगे आते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में डायरेक्टली मोटो ब्लॉग के साथ, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 पे पहली लॉन्ग राइड के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।